सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक्चुअली आज हम बात करेंगे एमटी टूल का जो हमारा एसएमडी मशीन है, मल्टीटेक का जो स्पेशली हमारा जो एसएमडी मशीन है एमटी टूल के नाम से आता है, इसके बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और मार्केट से ये क्या अलग है, इसमें क्या चीज अलग है, बाकी मल्टी जो एसएमडी मशीन है उनसे ये इसमें क्या चीज अलग है, क्या क्या फीचर्स अलग है, उसी सारी चीजों को हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, एलसीडी, एलईडी पे काम करते हैं। जब आप काम करते हैं, हॉट करते हैं, तो पता चलता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो बर्न हो गया, जल गया, पीला पड़ जाता है। ठीक है, या वो जल जाने के बाद आपका बोर्ड ही पीला जल जाता है, बोर्ड फूल जाता है। इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप मल्टीटेक जो हमारा मल्टीटेक का एमटी टूल जो असेंबली मशीन है इसको आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल दो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल हम अभी दो ही यहाँ पे रखे हैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो एक्चुअली ये जो हमारा मल्टीमीटर है, सबसे पहले देखेंगे कि ESD सेफ है। ठीक है, ये आपको ESD सेफ है। बाकी जो आपका असेंबली होता है वो बहुत सारे जो है मार्केट में आपको ESD सेफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो ESD सेफ नहीं होते हैं उससे आपका बोर्ड कंपोनेंट ओवरहीट होने की वजह से बोर्ड खराब होने का चांस रहता है, कंपोनेंट खराब होने का ज्यादा चांस होता है। तो इस चीज को हम आप कभी भी लीजिए तो ESD सेफ वाला ही लीजिए। मे बी इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे आपका असेंबली मशीन है, MX का है, हॉकी का है, और भी बहुत सारे अलग अलग कंपनियों का असेंबली मशीन है। ठीक है, तो अगले वीडियो में उसका भी हम बताएंगे उसके भी बारे में। तो चलिए इसको तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली ये आपको ये देखिए ऑन हो गया। ठीक है, अभी ये ऑन है। ठीक है, ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे ही आप इसको हैंडल को उठाएंगे देखिए ये लाइट जल गया। ठीक है, ये एक्चुअली लाइट जल गया। फिर जैसे ही आप इसको रखेंगे देखिए ऑटोमेटिक ये लाइट बंद हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे ही इसका जो ये सेंसर है, ठीक है, इसको ये सेंसर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ये कसा हुआ है, आप यहाँ पे भी अगर इसको रखेंगे जैसे यहाँ पे रखें लाइट बंद हो गया। तो आपके पास जो मशीन है ऑटोमेटिक होना चाहिए। एक्चुअली इससे फायदा क्या है कि अगर आप काम कर रहे हैं, काम कर लिए, काम करके अगर फिर आप कहीं चलेगा तो एक्चुअली जहाँ पे भी रखे हैं वहाँ पे जो भी मान लिया रैक में रखे हैं या किसी आपका ड्रॉल में रखे हैं तो जलने का चांस होता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं होगा तो कंटिन्यू हीट बाहर निकलते होगा, ओवर हीट होने की वजह से ये आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, ओवर हीट होने की वजह से ये खराब हो जाएगा। फिर आपका इसमें वो चीज नहीं है, जैसे ही आप हैंडल को यहाँ पे रखें ऑटोमेटिक आपका हीट बंद हो गया और एयर कूल होते ही एयर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके और आगे। अब इसमें एक्चुअली हीट का जो कंसेप्ट है, बाकी जो असेंबली मशीन में आप देखेंगे कि जो हीट का कंसेप्ट है यहां पे देखेंगे कि इसका यहां पे एयर और हीट। अब देखिए हम इसको हीट को पूरा बढ़ा दिए हैं। ठीक है, एयर को भी पूरा बढ़ा दिया है। ये मशीन कम से कम कुछ देर से चल रहा है, चलने दीजिए। ये चलने के बाद अगर ये देखिए ये जो है हमारा ये जलता नहीं है, देखिए ये जलता नहीं है। अगर इतने देर अगर कोई और होता मशीन, किसी और मशीन का ही अगर पाइप होता तो ये अभी तक जल गया होता। तो ये चीज भी आपको प्रॉपरली अगर कहीं भी आप ले रहे हैं तो ये आप इसको चेक करिए। ये देखिए कंटिन्यू आपका चल रहा है, हीट भी प्रॉपर है। अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर देखिए पूरी तरह से ये हीट हो रहा है, रेड एकदम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए हम आपको कॉम्पोनेंट भी निकाल के दिखाएंगे प्रॉपर कि कॉम्पोनेंट में भी सही से आपको निकल रहा है कि नहीं, वहां पे कलर वोलर का इशू तो नहीं आ रहा है, बोर्ड तो आपका नहीं फूल रहा है या कोई प्लास्टिक वगैरह तो नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि ये बर्न फ्री आपका असेंबली मशीन है। अगर लेते हैं यूज करते हैं तो बर्न फ्री आपका असेंबली मशीन है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस मशीन का। अगर आप यहाँ से परचेज करते हैं, हमारे यहाँ से परचेज करते हैं तो इस मशीन का हम 2 मंथ का वारंटी देते हैं और जो इसमें एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट का वारंटी आपको नहीं मिलता है क्योंकि एलिमेंट में भी कभी भी गल सकता है, टूट सकता है। ये आपको मार्केट में 35-40 रुपए का मिलता है, इजीली आप लाके उसको रिप्लेस कर सकते हैं या हम बता देंगे कैसे आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आते हैं बोर्ड पे कि थोड़ा सा बोर्ड पे काम करें। तो यहाँ पे देखिये बहुत सारे हम बोर्ड वगैरह रखे हैं, डेस्कटॉप का भी बोर्ड रखे हैं, लैपटॉप का भी बोर्ड रखे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्चुअली
सबसे छोटा कंपोनेंट देखिए, अगर आपको एयर कंट्रोल नहीं होगा तो जैसे छोटे छोटे रजिस्टर कैपेसिटर अगर खराब हो गए और वो चीज आप निकालते हैं तो क्या होता है, ज्यादा एयर होने की वजह से ये उड़ जाता है। ये आपको मतलब जैसे ही हीट करेंगे, जैसे ही वो मेल्ट होगा वो उड़ जाएगा, वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो इसका मेन है कि एयर बहुत मतलब कम में और बेस्ट हीट देता है। बाकी जो एसएमडी अगर आप यूज करते हैं तो एयर अगर पूरा कम भी कर लेंगे फिर भी वो क्या होगा कि उसमें एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका कंपोनेंट है, रजिस्टर है, छोटे छोटे जो भी कंपोनेंट है वो उड़ने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, तो आइए हम इसमें एक छोटा कंपोनेंट निकाल के और लगा के दिखाते हैं, एक भी कंपोनेंट आपका इधर उधर नहीं होने वाला है। तो चलिए हम थोड़ा सा हीट को एकदम जीरो कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी एयर को कम कर लेते हैं, हीट को हमने बढ़ा दिया, पूरा बढ़ा लीजिए। आप हीट अपने अनुसार भी मैनेज कर सकते हैं, एयर भी आप अपने अनुसार मैनेज करते हैं। अगर बड़ा कंपोनेंट निकालना है तो एयर को थोड़ा सा बढ़ा के निकालिए, बढ़ा के रखिए, और हीट को मैं भी फिक्स करके रखिए। ठीक है, आइए हम निकालते हैं। इसमें बहुत सारे आपको कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि एक 5 पिन का एक यहाँ पे आईसी लगा हुआ है। तो इसको इजी तरीके से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको हमने हीट को कंट्रोल करके इस पे रखा हुआ है, और देखिए सबसे मेन काम है कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा हीट करेंगे और देखिए एकदम इजी तरीका से आपका ये आईसी हट गया है और ट्रैक थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ा है उस ट्रैक पे। ठीक है, फिर उसको अगर लगाना है तो फिर क्या करें, उसको उठाइए, वहां पे इसको हल्का सा हीट कर लीजिए। इसके अगल बगल का एक भी कंपोनेंट आपको हिलने वाला नहीं है। ठीक है, बी प्रैक्टिकल, आप अगर अच्छे से काम करेंगे। अब यहां पे देखिए बहुत सारे यहां पे रजिस्टर कैपेसिटर लगे हैं, लोग कहते हैं कि ये कैसे निकलेगा, कैसे होगा। अगर मे भी एक ही आपको निकालना है, अगर आपका एसएमडी अच्छा है तो क्या होगा, अगल बगल वाला कंपोनेंट थोड़ा भी नहीं हिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डेस्कटॉप बोर्ड पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेस्कटॉप वगैरह का जो काम करते हैं हम, तो इस पे बहुत सारे हम सोल्डिंग भी कराते हैं अपने बच्चों को, और क्लास में भी इसी का हम देते हैं ताकि उनको पता चले कि इसका क्या फीडबैक है, सारे चीज़ों देते हैं। और ये डेस्कटॉप बोर्ड है, तो इस पे अगर देखिए मोसफेट वगैरह है, कोई भी कंपोनेंट है, आईसी है, इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम एक आपको मोसफेट निकाल के दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मोसफेट है या यहाँ पे बायोस आईसी है। ठीक है, अब बायोस आईसी, इसको बायोस आईसी को निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करिए कि पहले थोड़ा सा फ्लक्स इस पे लगा दीजिए। ठीक है, फ्लक्स लगा दिए, अब फिर हम इसको अपना ले लीजिए, थोड़ा सा इसको हीट एयर अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, हमने एयर को इसलिए कम किया था ताकि छोटा कंपोनेंट निकाल रहे थे तो हम हीट को कम कर लेंगे। अब देखेंगे ये हमारा बायोस आईसी है, और देखिए कम से कम समय में ये आपको इजी तरीके से आपको निकल जाएगा, ये आपका बायोस आईसी निकल गया। लगाना है कुछ नहीं है, इसको हीट करिए, हीट करिए आप प्रॉपर तरीके से इसको, बस ये आपका निकल गया, लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मे भी जो हमारा मल्टीटेक का असेंबली, ये जो मशीन है, प्रॉपर तरीके से सब चीज का, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, एलसीडी, सब पे आप यूज कर सकते हैं। इसकी फीचर्स की बात करें तो सारी चीजें तो लगभग आपको बता दिए हैं। फूड ऑटोमेटिक मशीन है हमारा ये। ठीक है, ईएसडी सेफ है, बर्न फ्री है, ये भी आपका बर्न फ्री है। मे भी आपको देखेंगे कि इतना सॉफ्ट किसी का नहीं होता, इतना करने पे वो आपको अभी तक टूट गया होता है। इसको ऑन करने के बाद देखेंगे कि ये आपको जलता नहीं है, ये जो प्लास्टिक है, इतने में अगर किसी और का करेंगे, देखिए फुल हम फुल हीट कर दिए, फुल एयर कर दिए, और ये देखेंगे कि ये पूरे अंदर से पूरे हीट हो चुका है, रेड हो चुका है, फिर भी अगर हम इसको इस पे हम ऐसे करेंगे तो ये गलने वाला नहीं है हमारा। अगर इतने देर में कोई और होता तो ये गलकर अभी तक मतलब प्लास्टिक गलकर अभी मतलब जीरो हो गया, तो ये पाइप में होल भी हो गया होता। तो ये तो फीचर्स है ही इसमें। इसके अलावा इसके साथ में इसमें अलग अलग इसका जो नोजल है, 3-4 नोजल मिलते हैं, बड़ा वाला, छोटा वाला और उससे भी पतला वाला।
इसके अलावा अगर हीट पे बड़े अगर आईसीयू वगैरह पे काम करना है तो आप नोजल निकाल के इसी तरीके से आपको यूज कर सकते हैं, मे बी बर्न होने का बहुत बहुत कम चांस होता है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। जिनको भी एसएमडी लेना है हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या हमारे www.multitechinstitute.com पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। We'll be right back.